गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव गर्ग, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा सिंह जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी, साइंस और लॉ की। साइंस, स्पिरिचुअलिटी और लॉ का हमारे जीवन में किस तरीके से महत्व है और जो हमारा जीवन अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है और हम इसको कैसे देख सकते हैं। अभी COVID-19 के टाइम में हमने देखा कि जो चीजें हो रही है, हम घर में कैद हो गए हैं, पशु पक्षी बाहर घूम रहे हैं, तो क्या ये कैसे चल रहा है, तो हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जो सारी चीजें हो रही है वो गॉड की मर्जी से हो रही है। तो मैम, हाउ यू सी दैट एंड हाउ यू कैन टेल दैट एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, व्हाट इज योर फीडबैक? अभिनव, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका जो आपने सवाल पूछा है, एंड इन द प्रेजेंट कंटेम्पररी वर्ल्ड दिस क्वेश्चन बिकम्स मोर रेलेवेंट। मैं यहाँ पे एक बात से शुरू करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि जब हम जब भी मैं बात करती हूँ, मेरा एक हमेशा फोकस रहता है कि हम अपने देश भारत की बात से शुरुआत करें, और भारत की बात में हम एक इम्पॉर्टेंट बात जो बार बार बोलते हैं वो हम ये कहते हैं कि एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। तो जब हम एक्चुअल में बात कह रहे हैं तो इस बात का मतलब क्या है, क्योंकि आज साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है और हम साइंस के नए नए आयाम को हर दिन हर साल छू रहे हैं। तो एवरीथिंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी जरूरी है। पहली चीज इसमें हमें ये समझनी जरूरी है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 7 बिलियन एटम्स से बनी हुई है, एंड दीज एटम्स केम फ्रॉम स्टार्स व्हिच एक्सप्लोडेड बिलियंस ऑफ इयर्स एगो। So actually, we are made of stardust. So either you are going to compare universe or you are going to compare any living or non-living object. Each and everything has been created through atoms. उनका order अलग हो सकता है, उनका atomic structure, molecular structure अलग हो सकता है, लेकिन basically जो है हम atoms से बने हुए हैं। Atoms के सब particles का हम बाद में आएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो source of life है या जो बेसिक ऑफ लाइफ है वो बेसिकली एटम ही है। इसी को अगर हम जेसी बोस की थ्योरी से देखते हैं तो जेसी बोस जो थे वो बेसिकली एक फिजिसिस्ट थे, लेकिन उन्होंने बायोलॉजी पे अपनी थ्योरी दी, और इसी इस बारे में उनको सबसे पहले स्वामी विवेकानंद और वेदों से प्रेरित होकर के जेसी बोस ने अल्टीमेटली ये आइडेंटिफाई किया कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है। उन्होंने बताया कि मेटल्स में भी फटीग होती है। तो इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली थ्रू द एक्सपेरिमेंट जेसी बोस हैज प्रूव्ड दैट आइदर इट इज अ मेटल और इट इज अ प्लांट और इट इज अ ह्यूमन बीइंग, इन एवरीथिंग देयर इज सम और अदर काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस। अब जब कॉन्शियसनेस की बात आती है तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज के अगर हम डेवलपमेंटल मॉडल को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पूरा ये जो हमने एंथ्रोपोसेंट्रिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट डेवलप किया, इसमें हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे रहा कि अगर प्रकृति ने जीने का अधिकार किसी को दिया है तो वो सिर्फ इंसान को दिया है, और हम ये भूल गए कि वी आर द ट्रस्टी ऑफ द अर्थ एंड वी आर नॉट द ओनर ऑफ द अर्थ। अगर हम आज भी ये देखें, जैसे मैं एक सवाल बहुत आम तुमसे भी पूछते हैं, हम बहुत लोगों से भी पूछते हैं, अपने स्टूडेंट से भी पूछते हैं, और सवाल ये है कि बेसिकली लाइफ कहाँ पे होती है, जीवन का मतलब क्या होता है, क्या मरता है कि इंसान मर जाता है। अगर हम ये कहते हैं कि शरीर लाइफ है तो मरने के बाद इंसान की बॉडी तो यहीं पे रहती है, लेकिन वो डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये शरीर लाइफ नहीं है, लाइफ कुछ और है। इसीलिए जब हम हिंदू फिलॉसफी या इंडियन फिलॉसफी को देखते हैं तो हम शरीर के दो एस्पेक्ट की बात करते हैं, एक हम स्थूल शरीर की बात करते हैं और एक हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, और इसी सूक्ष्म शरीर को हम मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड मानते हैं। इसी को हम चेतना कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि प्लांट्स में भी यही है, एनिमल्स में भी यही है और ह्यूमन बीइंग में भी यही है। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज करो हम में से बहुत सारे लोग पेट्स को पालते हैं, हम में से हो सकता है तुमने भी पाला हो, जैसे मान लो मैंने कुत्ता पाला है, मैं कुत्ते को लॉक करके बाहर गई, जब मैं आई तो मैंने देखा उसने घर में तोड़फोड़ करी हुई है और वो अपने आप को छिपा रहा है। उसने कोई आईपीसी नहीं पढ़ी है पर उसको पता है कि उसने गलती करी है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो उसको बताती है कि उसने गलती करी है। तो बेसिकली ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतना है, यही हमारे जीवन का मूल है, और इसीलिए हमारे भारतीय दर्शन में ये कहा गया कि एवरीथिंग इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। इसका मतलब है कि जो चेतना मेरे अंदर है वही चेतना तुम्हारे अंदर है, वही चेतना हर जीव जंतु के अंदर है,
इसलिए हमारे पेन्स, हमारे सफरिंग्स और हमारी हैप्पीनेस एक जैसी है। आज समस्या इस बात की हो गई है कि हम अपने राइट टू एक्सरसाइज करते हैं। अभी आपने देखा होगा केरला में इतना दर्दनाक हादसा हुआ जहाँ पे वो सतीनी को पटाखा खिला दिया गया और वो बेचारी मर गई। एक्चुअल में उसने गांव में इंक्रोच नहीं किया था, गांव ने उसके जंगल में इंक्रोच किया था। तो हम उनसे उनके जीवन के अधिकार को छीन रहे हैं। जब उसको वो नुकसान पहुंचाया गया तो हमने रियलाइज नहीं किया कि उसके अंदर भी वही कॉन्शियसनेस है जो हमारे अंदर है, उसे भी वही तकलीफ होगी जो तकलीफ हमें होती अगर वही काम हमारे साथ किया जाता। तो अपने को लेकर के तो हम बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस है, लेकिन नेचर की जो और अलग अलग चीजें हैं उनको नष्ट करने में हमें थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होती है। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि आज 65% फ्लोरा और फौना हम नष्ट कर चुके हैं। तो ये जो 65% हमने नष्ट किया उसकी तो हमें कहीं ना कहीं भरपाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेज है वो कहीं ना कहीं हमें अपने कार्यों के परिणाम के लिए उत्तरदायी बनाती है। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पिरिचुअलिटी हमें प्रकृति से जोड़ती है। हम ये भूल चुके हैं कि पंच महा तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। अगर मैं अभी तुमसे पूछूं कि तुम जीवित हो तो तुम्हारे अंदर जीवन कहाँ है, तो एक तो चेतना की बात होती है, दूसरी बात ये होती है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम ऑक्सीजन के बिना कितनी देर रह सकते हो, अनाज के बिना तुम कितनी देर रह सकते हो, पानी के बिना तुम कितनी देर रह सकते हो, तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। ऑक्सीजन के बिना हम शायद एक मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो तीन चीजें जिनसे हमारा बेसिकली शरीर या जीवन बना है, ये तीनों प्रकृति प्रदत्त हैं। लेकिन मूर्खता इंसान की देखो कि अपने डेवलपमेंटल मॉडल में हमने जंगलों को काट दिया, हमने पेड़ों को काट दिया, हमने नदियों को प्रदूषित कर दिया है, हमने मिट्टी को केमिकल डाल डाल करके जहर बना दिया है। यानी जो हमारे जीवन का बेसिक सोर्स है हमने उन्हीं को नष्ट कर दिया। तो जब इंसान की बुद्धि में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पे लालच इस कदर बढ़ जाता है कि वो यही नहीं डिफरेंशिएट कर पाता कि वो किस चीज के बिना रह सकता और किस चीज के बिना नहीं रह सकता, तो उसको उसके किए का परिणाम भुगतना पड़ता है। और यही चीज आज हम देख रहे हैं, नदियां प्रदूषित कर चुके हैं, हम नाक पे मास्क लगा के टहलने के लिए तैयार हैं लेकिन हम एक पौधा लगाने के लिए तैयार नहीं है। हम पानी को जहर बना करके पीने के लिए तैयार हैं लेकिन हम केमिकल्स जो हम नदियों में डाल रहे हैं उसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि प्रकृति के अस्तित्व के साथ हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, तब तक हम आज COVID-19 में और कल COVID-20, 21, 22 में ऐसे ही लॉकडाउन रहेंगे, क्योंकि ये तो एक वायरस है। नेचर ने हमें एक इंडिकेशन दिया है, अगर ये ह्यूमन क्रिएटेड भी है तो भी हम इसको अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए हैं। अगर ये एक्टिविटीज ऐसी ही चलती रही, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि प्रकृति अलग अलग तरीके से अपने गुस्से को इंडिकेट कर रही है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपना स्पिरिचुअल इवोल्यूशन करें। और स्पिरिचुअलिटी को जब आप इवॉल्व करते हो तो आप ऑटोमेटिकली नेचर से कनेक्ट होते हो, और जब आप नेचर से कनेक्ट होते हो तब आपका डेवलपमेंटल मॉडल ऑटोमेटिकली एंथ्रोपोसेंट्रिक से इकोसेंट्रिक होता है। और जब आप इकोसेंट्रिक हो जाते हो, जब आप प्रकृति के पंच महाभूतों से अपने आप को जोड़ लेते हो, तो आप ऑटोमेटिकली इस नेचर के ट्रस्टी बन जाते हो और आप इसकी रक्षा करते हो, इसके जीवों की रक्षा करते हो, इसके जंगलों की रक्षा करते हो। और जब ये सुरक्षित रहते हैं तो आप अपने आप सुरक्षित हो जाते हो। इसीलिए आज के समय में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम स्पिरिचुअलिटी को पहचाने। रिलीजियस तो हम बहुत हो चुके हैं पर हमने स्पिरिचुअलिटी को नहीं पहचाना। और स्पिरिचुअलिटी आपको नेचर से और यूनिवर्स से कनेक्ट होना सिखाती है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि बेसिकली हम सबके अंदर एक ही कॉन्शियसनेस जो है चल रहा है, हम एक ही एटम से इवॉल्व हुए हैं और हमें इस चीज को रियलाइज करना चाहिए। इसीलिए हर ना केवल हमें लिविंग बीइंग की बट नॉन लिविंग बींग्स की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज हमने पहाड़ तोड़ दिया, हम लोगों को नॉन लिविंग माना, लेकिन हमें भूल गया कि उसके ऊपर भी एक जीवन है। तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रकृति ने हमें जिस चीज को दिया है हम उसका संरक्षण करें और उसको इतना एक्सप्लॉयट ना करें कि खुद हम अपने आप को नष्ट करें। मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताई। आपने एक बात बोली, वी आर नॉट द ट्रस्टी, वी आर द ट्रस्टी ऑफ द अर्थ बट नॉट द ओनर ऑफ द अर्थ। मतलब भगवान ने हमें यहाँ इस पृथ्वी की संरक्षण के लिए भेजा है, लेकिन हमारी लालच की वजह से हम भगवान जो भी हम सारी चीजों को, पेड़ पौधे को नष्ट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को नष्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को, जानवर हैं, जीव जंतुओं को परेशान कर रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल बहुत सही कहना है कि भगवान वापस से आके हमें ये बता रहे हैं कि हाँ वी आर द ट्रस्टी, तो हमें इसकी संरक्षण करनी चाहिए ना कि इसको बर्बाद करना चाहिए। ये बहुत सही कहा आपने। मैम एक कहावत है कि भारत जो है वो देव की भूमि है,
ये सदियों से चला आ रहा है कि भारत देव भूमि है, इसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जैसे भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, रामायण जैसे ग्रंथ। तो इसको अगर हम स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक तरीके से अगर इसको कनेक्ट करें तो हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी कितनी वैलिडिटी होगी ये कहना कि हाँ ये साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी ये जो ग्रंथ है उनके साथ रिलेट करते हैं। देखो आज अभिनव एक बहुत अच्छा जो समय आया है वो हम ये देख रहे हैं कि हम जो अपना भारतीय जो टेक्स्ट है उसके बारे में हमने बात करना शुरू किया है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम दो तीन चीजों पे आएंगे, लेकिन उसमें आने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी। जैसे कि हमने महाभारत की जब हम बात करते हैं तो महाभारत में हम देखते हैं कि कहा जाता है कि भागवत गीता जब भगवान कृष्ण अर्जुन को सुना रहे थे तो उस समय समय रुक गया था। पूरी दुनिया इस बात पर रिसर्च कर रही है कि समय रुक सकता है क्या, क्या हम भविष्य में जा सकते हैं क्या, या क्या हम, क्योंकि अगर हम भागवत गीता को देखें तो भागवत गीता में भगवान कृष्ण आपके कर्म की और कर्म के फल की बात करते हैं। कर्म आज का आपका आज का है लेकिन उसका फल आपको भविष्य में मिलने वाला है, तो आपके कर्म आपके फ्यूचर को कैसे डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, हम लोगों ने देखा है अभिनव, जैसे हम लोग स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हैं या फिर हम वेद व्यास को पढ़ते हैं, तो इन लोगों ने उस काल में भविष्य की कल्पना करी है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो क्या हम भविष्य को देख सकते हैं क्या, क्या हम में से कोई लोगों के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं क्या कि हम ये कह सकें कि हम भविष्य को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे आज साइंस ने भी काफी रिसर्च करी और हमें भी थोड़ा इस पे अपने ग्रंथों को समझने की जरूरत है। जैसे एक दिन मैं भारतीय शिक्षण मंडल के जो मुकुल कानितकर जी हैं, तो मैं मुकुल दादा की एक ऐसे ही उद्बोधन सुन रही थी, उसमें उन्होंने एक बात कही जिससे मैंने इस बात को पकड़ा और इसी बात को हम उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं लॉकडाउन में, चूंकि हम सारे लोग अब घरवास कर रहे हैं और अपने अपने घरों में ही रह रहे हैं, तो अब हमें प्रकृति साफ हो गई है। अगर हम आसमान देखते हैं तो हमें नीला आसमान दिखाई देता है, रात में हम देखते हैं तो हमें तारे दिखाई देते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं वो किसी लड़के को लेके अपने साथ जो भी होगा उसको छत पे लेके गए होंगे, उन्होंने कोई तारा दिखाया होगा और बोला होगा कि ये तारा पहले नहीं दिखता था प्रदूषण के कारण, लेकिन अब ये तारा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि उस तारे से धरती पे प्रकाश आने में 4 साल का समय लगता है। तो अगर उस तारे से धरती पे प्रकाश आने में 4 साल का समय लग रहा है तो सिंपल सी बात है कि इस समय वर्तमान में जो प्रकाश हम उस तारे में देख रहे हैं एक्चुअल में वो 4 साल पहले उस तारे से चला था। तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे लिए उस तारे का प्रेजेंट है एक्चुअल में वो उस तारे का पास्ट है। तो क्या यहाँ पे, क्योंकि जब हम महाभारत की बात करते हैं, महाभारत में एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी भी है और वो कहानी है रेवती की। रेवती के जो फादर हैं वो एक बहुत बड़े राजा हैं और उनको ऐसा लगता है कि रेवती के योग्य वर इस धरती पे नहीं है, तो उन्होंने रेवती की बहुत सारी शादी अच्छे अच्छे लड़कों से कराने के लिए योग्य वर खोजने की कोशिश करी लेकिन उनको योग्य लड़का नहीं मिला। तो वो रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक में जाते हैं और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि रेवती के लिए क्या आपने किसी वर को बनाया ही नहीं जो इसके योग्य हो। तो ब्रह्मा जी उसके ऊपर हंसते हैं और कहते हैं कि जितने टाइम में तुम ब्रह्मलोक में पहुंचे इतने समय में धरती में 4 युग बीत चुके हैं। 4 युग, अच्छा। जो उस टाइम के लोग थे वो खत्म हो चुके हैं, वो मर करके उनके कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तभी भी, लेकिन इसमें एक खास बात नोट करने वाली है अभिनव कि उस लड़की की एज में चेंज नहीं आया है। ये ऐसा क्यों? उस लड़की की जो एज धरती पे थी वही एज उसकी वहां पे है। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अच्छा, हाँ जी। यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसी को आइंस्टीन ने आगे कन्वर्ट किया। आइंस्टीन ने क्या बोला, आइंस्टीन ने, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आइंस्टीन ने जो E=mc² की थ्योरी दी है जिसको हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मास एनर्जी में एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, उसकी प्रेरणा भी उनको उपनिषदों से मिली थी। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इसका मतलब, क्योंकि अगर आज हम कहें कि हम टाइम नापते हैं तो मैं सिंपल सा तुमसे पूछूंगी कि हम टाइम कैसे नापते हैं। एक्चुअल में टाइम नापने के लिए घड़ी नहीं है, क्योंकि जब घड़ी नहीं थी टाइम तो तब भी था, तो हम टाइम किस चीज से नाप रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लाइट की स्पीड पे बहुत ज्यादा, जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज एक प्रकाश वर्ष दूर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सूर्य से उस जगह पे प्रकाश पहुंचने में 1 साल का समय लगता है। जैसे सूर्य से धरती पर प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड के आसपास लगते हैं,
तो इसका मतलब है कि लाइट एक सर्टेन स्पीड से ट्रेवल करती है और वैक्यूम में उसकी स्पीड फिक्स है कि वो कितनी कितने मीटर या कितने किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रेवल करेगी। आइंस्टीन ने जब E इक्वल टू MC स्क्वायर की थ्योरी दी तो आइंस्टीन क्या कहते हैं, हम टाइम को हमेशा किसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में यानी सापेक्ष में नापते हैं। आइंस्टीन क्या कहता है, आइंस्टीन ये कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को लाइट की स्पीड के बराबर कर देते हैं तो उस समय समय रुक जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली यह है अभिनव कि इसी समय के रुकने की बात गीता में कही गई है, भागवत गीता में कही गई, और अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धरती पे टाइम की स्पीड स्लो होती है। यानी अगर अपनी स्पीड को बढ़ा करके आप धरती से बाहर निकल जाते हो तो जितने टाइम में आप बाहर पहुंचोगे उतने टाइम में धरती पे कई गुना ज्यादा समय बीत चुका होगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि रेवती जितने टाइम में ब्रह्म लोक तक पहुंची या ब्रह्मा जी के यहाँ तक पहुंची अपने हिसाब से वो कुछ मिनट में पहुंची है, लेकिन उतने मिनट में धरती पे चार युग बीत गए। इसका मतलब ये है कि उस समय जो रेवती की स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर या उससे हो सकता है कि कहीं ज्यादा हो। तो इस थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी की जो हम बात करते हैं तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है, क्योंकि अभी मैंने एक बात बताई और वो बात मैंने ये बोली कि ह्यूमन बॉडी एटम से बनी हुई है। आज अगर हम लोग देखते हैं तो अपना स्वीडन और फ्रांस के बॉर्डर पे जो है गॉड पार्टिकल्स की खोज की जा रही है कि गॉड पार्टिकल क्या है, क्योंकि हमने ये मान लिया कि हम एटम से बने हुए हैं। और अगर हम एटम से बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि एक आदमी को अगर लाइट की स्पीड से उठा के फेंका जाए तो उसका पूरा का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उसकी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो इसका मतलब है कि वो एक फोटॉन के फॉर्म में या वो एक एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करने लगेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम जो हमारा जो मैनिफेस्टेशन जो हम एक सॉलिड बॉडी दिख रहे हैं एक्चुअली में वी आर द कलेक्शन ऑफ द एटम्स। तो यहाँ पे जो हम स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं जिसको कि हिंदुइज्म या हिंदू फिलोसफी में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, उसको देख करके ये लगता है कि हमारा स्थूल शरीर तो स्थूल है लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो यही एनर्जी है। इसी को हम आत्मा कहते हैं, इसी को हम मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड कहते हैं, इसी को हम चेतना कहते हैं। तो एक्चुअल में ये एनर्जी नहीं मरती, क्योंकि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के हिसाब से भी एनर्जी नष्ट नहीं होती है, ये केवल अपने फॉर्म को चेंज करती है। तो सिंपल सी बात यह है कि इसका मतलब ये हुआ कि स्थूल जगत में हमें जो भी चीजें या जो भी एक्टिविटीज होती हुई दिख रही हैं एक्चुअल में ये वेव्स के फॉर्म में हो रही हैं और ये वेव्स के फॉर्म में ही चल रही हैं। तो धरती पे आज जो चीज हो रही है हो सकता है वो यूनिवर्स के किसी कोने से वहां पे धरती का वो पास्ट दिखाई देता हो और जो होने वाला है किसी और कोने से हमें धरती का फ्यूचर दिखाई देता हो। और इसीलिए मैंने आपसे मैंने अभी बोला कि जब E इज इक्वल टू MC स्क्वायर की थ्योरी के हिसाब से हर चीज सिर्फ एक एनर्जी के फॉर्म में हो रही है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हम धरती से इतनी दूर जाएं जहां से धरती का प्रकाश पहुंचने में 5000 साल का समय लगे तो शायद हम उस जगह से महाभारत के उस युद्ध को भी देख सकते हैं जो 5000 साल पहले हुआ था। तो मेरा सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो हमारी महाभारत में गीता में या फिर जो हमारे ऋषियों ने जिस फिलॉसफी की बात करी है वो शायद इस मैन एंड मैटर या मास और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को जानते थे, वो उसमें बिलीव करते थे। और इसीलिए अगर हम लोग देखते हैं तो आज बड़ा सरप्राइजिंग लगता है क्योंकि मैं तो बहुत रिसर्च करती हूँ इस बारे में कि कैसे उन लोगों ने धरती से सूर्य के बीच की डिस्टेंस बिना किसी सैटेलाइट के नापी, आर्यभट्ट ने कैसे जो है यूनिवर्स के बारे में बातें करी, उन्होंने डिस्टेंस को कैसे मेजर किया। उन्होंने अगर यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि हमारे वेदों में लिखा है कि 8 मिनट में यानी 48 मिनट में सूर्य का प्रकाश 3 बार सूर्य से धरती पे आकर के वापस जाता है। इसका मतलब उनको पता था कि 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है, 8 मिनट में जाता है और 48 मिनट में वो 3 बार आएगा जाएगा, तो उनको ये कैसे पता था। तो इसका मतलब निश्चित तौर पर हमारी जो स्थूल शरीर है उसमें जो सूक्ष्म शरीर है जिसको कि हम आत्मा कहते हैं वो वेव के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के ट्रांसफर होती रहती है। जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो भी वेव्स के फॉर्म में हो रही हैं, इसीलिए जो आज धरती पर हो रहा है वो कहीं और पे हमारा पास्ट बन करके या कहीं और से हमारा फ्यूचर बन करके भी दिखाई दे सकता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है और मेरे हिसाब से ये आइंस्टीन की थ्योरी को तो प्रूव करती है।
ये हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि ये उस थ्योरी को प्रूव करती है जो हजारों लाखों साल पहले हमारे ऋषियों ने दिया और जिसे आज भी फ्रांस के बॉर्डर पे गॉड पार्टिकल के नाम में जाना जा रहा है। सोचने वाली बात है कि जो साइंस गॉड में बिलीव नहीं करता वो अल्टीमेटली उस पार्टिकल को खोज रहा है जिसको कि वो जानना चाहता है कि इस यूनिवर्स की का बेसिकली ओरिजिन का सोर्स क्या है। उनको भी कुछ नहीं समझ में आया तो इसका क्या नाम दे, तो अल्टीमेटली उन्होंने भी उसका नाम गॉड पार्टिकल दिया है क्योंकि उनको लगता है कि अगर फोटोन से भी नीचे हम चले जाएंगे, क्योंकि आपको बताया कि परा यानी फोटोन तक तो हम पहुंच गए हैं, आपको ये जानना चाहते हैं क्या फोटोन किससे बना है, वो अल्टीमेट पार्टिकल क्या है जिससे ये यूनिवर्स बना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और अगर हम इसकी पूरी की पूरी एनालिसिस करें तो मुझे तो ये समझ में आता है कि एक्चुअल में आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन एक साथ हम तीन टाइम जोन में रह रहे हैं, एक हमारा प्रेजेंट है, एक हमारा पास्ट है और एक हमारा फ्यूचर है। और ये तीनों की तीनों स्थितियां एक साथ चल रही, धरती पे तो हमारा प्रेजेंट चल रहा है लेकिन कहीं और वेव्स के फॉर्म में यही चीज हमारे पास्ट के रूप में रिकॉर्डेड हो रही है और हमारा जो एक्शन है जो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेगा वही वेव्स के फॉर्म में कहीं और फ्यूचर के रूप में स्टोर हो रहा है। इसीलिए आज जब हम टाइम मशीन की बात करते हैं तो टाइम मशीन का सिंपल सा पर्पज ये है कि हम आगे जा करके ये जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, ये जो वेव्स का कॉन्सेप्ट है, किसके थ्रू, जैसे मैंने भी बताया कि सारी एक्टिविटीज वेव के फॉर्म में होती है तो हमारी इस एक्शन के स्वाभाविक परिणाम फ्यूचर में क्या होंगे वो वेव्स के फॉर्म में यूनिवर्स में स्टोर्ड है। तो अगर हम वहां पे चले जाएं तो हम अपने फ्यूचर को देख सकते हैं और अगर हम पीछे चले जाएं तो हम अपने पास्ट को देख सकते हैं। इसीलिए जो एलिवेटेड सोल्स होती थी, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, उनकी बॉडी तो ये रहती थी लेकिन उनके चक्रास इतने एक्टिवेटेड थे कि वो अपनी सोल को एलिवेट करके वो बाहर निकल करके पास्ट और फ्यूचर शायद दोनों में ट्रेवल कर सकते थे। और इस चीज को अब तो साइंस मानेगा नहीं लेकिन ये चीज जैसे जैसे साइंस बढ़ता जा रहा है ऐसा लगने लगा है कि वेद प्रमाणित हैं और साइंस के थ्रू हम बेसिकली इसी टेक्स्ट को हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वेदों में जो लिखा है वो तो सही है। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि इस पे हमें एक बात पे और जोर देना चाहिए कि जैसे जैसे ये जो फोटोन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मुझे ऐसा लगता है कि ये फोटोन भी अलग अलग तरीके के होते हैं और इसीलिए हर एक व्यक्ति के, हम लोग कहते हैं ना इसकी पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है, इसकी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, तो आप वो जिस तरीके की भी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं आप उसी एनर्जी के साथ अपनी बॉडी को छोड़ करके वैसा ही एटमॉस्फेयर चारों तरफ बनाते हैं और वही एनर्जी वेव्स के फॉर्म में आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है। और इसी के बेसिस पे मुझे लगता है जो थ्योरी ऑफ कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेज है, इसीलिए अगर हम महाभारत में भी देखते हैं तो भगवान कृष्ण की गीता को उपदेश देते समय एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, वो बीच में खड़े हैं, एक तरफ से आदमी का बर्थ दिखाया जा रहा है और एक तरफ से उसकी डेथ दिखाई जा रही है। तो शायद ये भी इसी चीज का डिपिक्शन है कि एक साथ हम तीन लोगों में रहते हैं, एक हमारा पास्ट है और एक हमारा प्रेजेंट है और एक हमारा फ्यूचर है। तो यूनिवर्स के अलग अलग लेवल से हम अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को देख सकते हैं लेकिन प्रेजेंट जो है वो हम धरती पे जीते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट। मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ, इवन मैं तो कहूंगा मतलब हमारे लिए तो ये बिल्कुल नई चीजें हैं कि हाँ मतलब लोग, हम लोग अभी तक सुनते थे कि हाँ तारे देख रहे हैं और तार मतलब वो तारा दिख रहा है, मतलब हमें समझ में आता था कि ये चीजें कैसे चल रही है, बट आपने स्टोरी के माध्यम से और उसको प्रूफ करके कि हाँ ये चीजें कैसे हो रही है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और कार्मिक कंसिक्वेंसेस, थ्योरी ऑफ कार्मिक कंसिक्वेंसेस कैसे रिलेट कर सकता है, स्पिरिचुअलिटी कैसे रिलेट कर सकती है। मैम एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि हम इंट्यूशन की बात करते हैं कभी कभी, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है कुछ बुरा होने वाला है, तो मतलब ये इसका कोई रिलेशन स्पिरिचुअलिटी के साथ हम रिलेट कर सकते हैं क्या, स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूशन को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? मुझे लगता है अभिनव हम इसको बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं और अगर हम लोग साइंस में रिसर्च को भी देखें चाहे पास्ट में भी देखें, जैसे आर्किमिडीज है उसको सोते सोते सपना दिखा था और आर्किमिडीज ने अपनी थ्योरी दी। कल या परसों मैं मिस्टर के कस्तूरी रंगन का एक वो सुन रही थी, स्पीच सुन रही थी, उसमें उन्होंने बोला कि इसरो में साइंटिस्ट बहुत सारी चीजें इंट्यूशन की बेसिस पे करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बेसिकली ये इंट्यूशन होता क्या है। अगर हम इसको देखते हैं तो हम ये मानते हैं, वेस्ट तो मानता नहीं है लेकिन अगर हम भारतीय फिलॉसफी को देखते हैं तो भारतीय फिलॉसफी में चक्रों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और चक्रों में हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्र माने गए हैं। तो हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी यानी जो हमारी स्पाइन होती है उसी में 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे का हमारा मेरु चक्र होता है जो कमर के पास होता है और सबसे ऊपर का चक्र हमारे सर के ऊपर होता है।
तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है, चूंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हम इन चीजों में बिलीव ही नहीं करते कि इस स्थूल बॉडी के बियॉन्ड भी कुछ है। पर जैसे अगर हम अभी सबरीमाला का भी इशू हुआ था, तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आई, मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी इसको शेयर किया था कि हमारे जो एंशियंट मंदिर बने हैं, उन मंदिरों का जो वास्तु है वो इस हिसाब से बना है कि जब आप उस मंदिर में एंटर करोगे तो एंटर होते ही सबसे पहले वो आपके मेरु चक्र को एक्टिवेट करता है, और जैसे आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाके आप गर्भगृह में पहुंचते हो, आपका सातवां चक्र एक्टिवेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो टेम्पल इतने साइंटिफिक है कि उनमें आपके सातों चक्रों को एक्टिवेट करने की क्षमता है। यहाँ पे खास बात यह है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मेडिटेशन के लिए आपको पूजा पाठ एक तरीका हो सकता है, बट मेडिटेशन में बेसिकली आप ध्यान में जाते हो और आपको एक अपने आप को एक ऐसी मेंटल स्टेट पे लाते हो जहां पे आपको बेसिकली कुछ सोचना नहीं चाहिए, और आप अपने आप को यूनिवर्स से या गॉड से या ब्रह्म से आप कनेक्ट कर सको, उसको मेडिटेशन की स्टेट कहते हैं। जब हम रेगुलरली मेडिटेशन को, और अगर हम लोगों ने इसको कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो साइंटिफिकली अब ये ब्रेन मैपिंग के थ्रू बहुत ज्यादा प्रूव हो चुका है। पहले हम इन चीजों को मानते नहीं थे, अब साइंस भी मानता है कि अल्फा बीटा डेटा गामा टाइप की वेव्स जो है हमारे ब्रेन से निकलती हैं। तो जब हम ध्यान की परम अवस्था में होते हैं, जैसे जैसे हम ध्यान में जाते जाते हैं, हमारे ब्रेन से निकलने वाली वेवलेंथ की जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती जाती है, और छोटी होते जाते जाते वो धीरे धीरे जो यूनिवर्स होती है उसकी वेव को कैच करने लगती है। तो स्पिरिचुअलिटी में आपको फायदा ये होता है कि जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली आप इवॉल्व होते जाते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी ट्रूथफुलनेस को मेंटेन करिए। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं, आपके चक्रास एक्टिवेट होते जाते हैं, और यही चक्रास के एक्टिवेट होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल कैसे करते हैं कि हमारी बॉडी तो यही रहती है, लेकिन हमारी जो चेतना होती है वो फ्यूचर में जाकर के होने वाली चीजों को वैसे ही देख सकती है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि क्योंकि वेव्स के फॉर्म में चीजें हो रही हैं, तो जो हो चुकी हैं वो कहीं से देखी जा सकती हैं, और जो होने वाली हैं वो आगे कहीं और से देखी जा सकती है। तो वो चेतना इवॉल्व होकर के उन वेव्स के फॉर्म में होने वाले इंसिडेंट को, जो फ्यूचर में होने वाली है, उसको वो देख करके उसके बारे में प्रेडिक्शन करती है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, योगा से हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, मेडिटेशन, ये सारे इंटर रिलेटेड ही है, इससे हमारे चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं। और ये जब एक्टिवेट होते हैं तो बेसिकली ये हमें फोर्सी करने में मदद करते हैं कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए कुछ लोगों को हम दृष्टा कहते हैं, हम एक लेवल तक देख सकते हैं, तुम एक लेवल तक देख सकते हैं। जो विजनरी होता है या जो दृष्टि सालों और युगों के आप पार देखता है, तो यहाँ पे ये जो आपके अंदर ये जो कैपेबिलिटी आती है, वेद व्यास एक दृष्टा थे, रविदास जी एक दृष्टा थे, तो ये समय के कालातीत चीजों को देखते हैं। तो ये जो टाइम ट्रेवलिंग की थ्योरी जो चल रही है आजकल, ये बेसिकली फिलोसफी में हम इसको बात करें, हम इसकी साइंस या स्पिरिचुअलिटी में बात करें, ये बेसिकली यही चीज है। आप टाइम ट्रेवल करके अपनी सोल को, अपने कॉन्शियसनेस को आप ट्रेवल करा सकते हो, अपनी चेतना को ट्रेवल करा सकते हो, और बॉडी यही रहते हुए भी आप फ्यूचर में होने वाली चीजों को देख सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉ की फील्ड में ये बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। उसका रीजन मैं बता दूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, एक जज होने के नाते ये बहुत जरूरी है कि जज के अंदर एक दृष्टा का विजन होना चाहिए। दृष्टा का विजन होने का मतलब क्या होता है कि आज मैंने ये जजमेंट दिया तो इस जजमेंट के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जैसे सिंपल समय केशवानंद भारती का अगर जजमेंट की मैं बात करूं, तो केशवानंद भारती के जजमेंट में एक चीज साफ दिखाई देती है, उनको एक लेवल तक दृष्टा माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इमेजिन कर लिया था कि अगर हमने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी नहीं दी तो एक दिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है। तो ये जो विजन आपके पास आता है, इस विजन को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद अगर कोई करता है तो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी होती है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको समय के पार लेकर के जाती है। अनफॉर्चुनेटली ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्पिरिचुअलिटी को प्योरली रिलीजन से जोड़ दिया गया। स्पिरिचुअलिटी इज अ प्योर साइंस, और मैंने अभी अभी मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि सारी की सारी चीजें क्वांटम फिजिक्स पे बेस्ड होकर के चलती हैं।
आज भी जितनी भी चीजें हो रही है, जितनी जो जो भी हम एक्टिविटीज मानते हैं, जो भी हम बोसोन की बात करते हैं, हम गॉड पार्टिकल की बात करते हैं, ये सारे के सारे बेसिकली क्वांटम्स हैं। हम अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वजों को इतनी सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कैसे थी, जबकि हम ये कहते हैं कि उस समय कोई सैटेलाइट नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये हमारी स्पाइन में कनेक्टेड है। इसीलिए हमारे यहाँ पे कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, यानी अगर आप अपने आप को एलिवेट करते हो, अपने सोल को एलिवेट करते हो, तो आप यूनिवर्स से अपने आप कनेक्ट करके वो चीजें आप खोज सकते हो या उन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो जो कि एक नॉर्मल लोगों के लिए इम्पॉसिबल होती है। इसीलिए जो लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं उनके इंट्यूशन इवॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनके चक्रास एक्टिवेट होते हैं और वो फ्यूचर में करके फ्यूचर में होने वाली चीजों को देख सकते हैं ठीक उसी तरीके से जैसे हम आज हम ये कहते हैं कि हम टाइम मशीन में बैठ करके पास्ट में या फ्यूचर में जा सकते हैं। तो मैं अगर मैं कहूँ कि स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से या रिलीजियस प्रैक्टिस से रिलेट करना बहुत गलत होगा आपकी बातों से, और अगर हम ये भी कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक बात मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने मेडिटेशन की बात की कि हम अपने चक्रास को, दिस इज नॉट, जो स्पिरिचुअलिटी है वो साइंस है, और हम मेडिटेशन प्रैक्टिस से, योगा से हम अपने आप के चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं और हम वो सारी चीजें देख सकते हैं, या अपने अपनी बॉडी जो शरीर है उसमें जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात की आपने, चेतना की बात की, तो हम चेतना को ट्रेवल करा सकते हैं और ये सारा कुछ मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस से हो सकता है। इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है और लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक दो लोग होते हैं जो उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। और हमने अगर अपनी पूरी हमारी एक्चुअली में अगर एक ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने तो स्पिरिचुअलिटी तो फिर भी आप थोड़ा थोड़ा करके अटेन कर सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के एडवांस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए कई बार आप हठ योग का नाम देते हो या आप योग का नाम देते हो या इसके अलग अलग ब्रांचेस का नाम देते हो। जहां तक कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बातें हैं, तो हमें एक चीज माननी पड़ेगी कि साइंस अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा नॉलेज साइंस में भी अभी बहुत कम है। इसीलिए हम ये देखो कि कोई भी खोज होती है तो 10 या 20 साल में वो कहते हैं नहीं पुरानी खोज गलत थी, अब ये नई खोज है। और अगर पिछले 100 सालों का हम इतिहास देख लें तो 100 सालों में वेस्ट ने जितने भी चीजें खोजी उसको 5 साल 10 साल में उन्होंने बोल दिया नहीं पिछली, पहले प्लास्टिक बहुत अच्छा था फिर प्लास्टिक खराब हो गया, पहले यूरिया बहुत अच्छा था फिर यूरिया खराब हो गया, पहले चीनी बहुत अच्छी थी फिर चीनी खराब हो गई, रिफाइंड बहुत अच्छा था रिफाइंड खराब हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी साइंटिफिक जो रिसर्च है वो टाइम टेस्टेड नहीं है, लेकिन जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च रही है वो टाइम टेस्टेड है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने लिटरेचर को लॉस कर चुके हैं, बहुत सारा लिटरेचर नष्ट कर दिया गया, बहुत सारा लिटरेचर यहाँ से दुनिया के अलग अलग हिस्से में पहुंचा और जो आज हमारे पास है हम उसको पढ़ना ही नहीं चाहते, हम उसकी बात ही नहीं करना चाहते कि उसमें लिखा क्या है, हमने उसको रिलीजियस टेक्स्ट मान करके किनारे कर दिया। मैं ये कहती हूँ कि वो साइंस के प्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली अगर मैं वेदों की बात करूं। इसीलिए जो भी अगर आज की तारीख में भी तुम देखो तो तुम्हें सबसे ज्यादा जो वेदों को समझने वाले मिलेंगे वो साइंस बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे, स्पेशली जिनको फिजिक्स आती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीजें जो है क्वांटम पे बेस्ड है। तो अभी दिक्कत क्या हो रही है, जैसे मैंने अभी सबरीमाला के जजमेंट को देखा, उसमें उन्होंने इक्वलिटी के बेसिस पे जजमेंट को डिसाइड कर दिया, लेकिन शायद उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया कि उसमें ना जाने देने के पीछे एक साइंस भी है। तो क्या है कि कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जिसके बारे में पीछे का साइंस हमें पता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हो, जैसे इसकी मैंने बात करी कि जो स्वामी अयप्पा का टेम्पल है, जो उनका गर्भगृह है वो आपकी पीनियल बॉडी को एक्टिवेट करता है। तो अगर वहां पे प्रेग्नेंट लेडीज जाती हैं, मेंस्ट्रुएटिंग लेडीज जाती हैं, तो उनकी हेल्थ पे वो एडवर्स इफेक्ट डालता है, इसलिए उनका वहां जाना मना है। लेकिन इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कंसीडर नहीं किया। तो कंसीडर अगर आपने नहीं किया तो जो लेडीज वहां पे जाएंगी उनकी खुद की हेल्थ को बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे इसीलिए बेसिकली इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हार्मिंग और नॉन हार्मिंग में डिवाइड कर दें तो हमारे लिए बेटर होगा। जो नॉन हार्मिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, जैसे सबरीमाला में महिलाओं के जाने पर रोक नहीं है, पर्टिकुलर एज की महिलाओं के जाने पर रोक है, उससे अगर किसी का नुकसान नहीं है और जो बिलीवर है वो जाना नहीं चाहती है, तो उसमें जबरदस्ती मुझे लगता है कि कानून को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। और हमें ये मानना चाहिए कि एज अ ह्यूमन बीइंग
हमारी लिमिटेशन है और अभी भी हम अपने ऋषियों की उस ज्ञान परंपरा को नहीं खोज पाए या समझ पाए हैं और समझने के बजाय हमने उसको सिरे से नकार दिया है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप आइंस्टीन की E=mc² की थ्योरी को पढ़ लो और महाभारत की उस कहानी को पढ़ लो, रेवती की, जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाई बताई है, उसमें साफ साफ पता चलता है कि जिस E=mc² की बात आइंस्टीन 20वीं शताब्दी में कर रहे हैं उसको तो हजारों साल पहले हमारे महाभारत में लिखा जा चुका है, उनको ये चीजें कैसे पता थी। तो जरूरी है कि हम उन चीजों पर रिसर्च करें, क्योंकि अगर ये चीजें सही है तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि लिखी हुई बाकी चीजें भी सही है। और अभी मैंने बताया कि हमारे यहाँ तीन लोगों का कॉन्सेप्ट है, मैंने तुम्हें वेव्स के कॉन्सेप्ट पे बताया कि एक्चुअली हम एक लाइफ जी रहे हैं लेकिन ये दो और लोगों में, एक अपने पास्ट और एक फ्यूचर यूनिवर्स में, तो अलग अलग जगह पे ये चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, मतलब एक साथ हम एक्चुअल में तीन जगह पे ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये भी एक साइंस है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा, जिसको कि हमारे पूर्वजों ने समझा और जिससे हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लॉ को भी समझना चाहते हैं तो हमें स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें एक अलग लेवल पे एलिवेट करता है जहाँ पे वो हमें हर उस चीज से कनेक्ट करना सिखाता है जिसको कि नॉर्मल लाइफ ने अपने अपने आप को इग्नोर कर रखा है। जैसे जानवरों के पेन, धरती का पेन, धरती को मैंने अभी पूछो किसी से कि मिट्टी जीवित होती है कि मरी हुई है, लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या जो मिट्टी होती है उसमें भी जान होती है क्या, मिट्टी में जान होती है पर हमें पता ही नहीं, क्योंकि अगर उसमें जान नहीं तो पौधे नहीं निकाल सकते। सीमेंट में आप अनाज उगा सकते हो क्या? आप नहीं उगा सकते, आप मिट्टी में उगा सकते हो। तो ये चीजें क्या है, हमारे यहाँ मिट्टी की पूजा क्यों की जाती है, धरती को माता क्यों मानते हैं, हम मानते क्यों सांस लेती है, लेकिन क्या हमने इस चीज पे कभी सोचा? तो जो जिस भी तरीके से हम डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने इंटरप्रिटेशन को लेकर के जा रहे हैं, सबसे पहले ये हमें जानना पड़ेगा कि हम क्या नहीं जानते हैं, और हमें ये भी जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में हम अभी बहुत कुछ नहीं जानते। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम नई चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे और वैसे ही हम अपने आप को नष्ट करते जाएंगे, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद पिछले 200 सालों में हमने अपने आप को किया है। हम ये कहना तो बिल्कुल सही है कि हमारे जो नहीं जानने की लिस्ट है वो काफी लंबी है और हमें बहुत सारी चीजों को सीखना है कि हाँ हम इसको कैसे कर सकते हैं। और एक ये भी जानना नहीं चाहते कि हम क्या नहीं जानते हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जानना नहीं चाहते कि जो, और जो नई चीजें हैं हम उस पे मतलब आगे बात नहीं करना चाहते। तो ये काफी अच्छा आपने पॉइंट बताया कि हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और नई नई चीजों को हम रिसर्च देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और जानने की कोशिश कर सकते हैं। मैम, अभी तो COVID-19 का बहुत ज्यादा मतलब सब जगह COVID-19 की बात चल रही है, लॉकडाउन की बात चल रही है, लेकिन लोगों को ये मतलब कुछ लोग बात भी कर रहे हैं कि हाँ ये हमारे ही कुछ बुरे कर्मों का फल है जो कि भगवान हमें दे रहा है। और कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हाँ ये इसको हम कहीं ना कहीं उससे रिलेट करके देख सकते हैं। तो आपका क्या कहना है कि इसको अभी लोगों के जीवन में लोगों को किस चीज को समझना चाहिए COVID-19 के माध्यम से कि COVID-19 क्या है, जो सिचुएशन है अभी COVID-19 की वजह से, जो हम जो अपने कर्म फल को भुगतते हैं, ये साइंस है। ये तो एक फिलोसफी भगवान कृष्ण ने गीता में दी और उन्होंने बोला कि जो कर्म करोगे तुमको, एक तो उन्होंने बोला कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसकी बात करी थी जो मुझे इस तरीके की सजा आपने दी कि मुझे आज बाणों की शैया पे अपने जीवन की आखिरी सांसें लेनी पड़ रही हैं। तो उसमें भगवान कृष्ण ने बोला है कि जब आपको गलत के लिए बोलना चाहिए था तब आपने नहीं बोला था, द्रौपदी के साथ जो हो रहा था तब आपने नहीं बोला था, तो आपकी जो पूरी की पूरी निष्ठा है वो सिंहासन के लिए तो थी पर देश के लिए नहीं थी, तो आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें आज ये समझना पड़ेगा कि हमारी निष्ठा किस चीज के लिए है। अगर आज हम पूरी दुनिया में देखें तो दुनिया का इंटरेस्ट हो चाहे इंडिविजुअल का इंटरेस्ट हो, सबकी निष्ठा को अपने मनी सेंट्रिक कर दिया। अब उस मनी सेंट्रिक के चक्कर में क्या हो गया कि चाइना जैसे देश ने, अब तो ये कहा ही जा रहा है कि ऑब्वियसली ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि अगर ये नेचुरल होता तो ये कंट्रोल हो जाता। जिस तरीके से लगातार म्यूटेट हो रहा है ये लगता है कि इट वॉज अ बायोलॉजिकल वेपन, इट रिलीज एक्सीडेंटली और अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट, बट ऑब्वियसली इट सीम्स दैट दिस इज अ बायोलॉजिकल वेपन। तो चाइना ने अगर ये किया तो क्यों किया? आज भी जब पूरी दुनिया COVID-19 के चपेटे में है तो हर देश यही सोच रहा है कि हम क्या पाए, क्या बेच के ज्यादा पैसा बना ले। तो ये जो हमारे अंदर एक टेंडेंसी आई है ना कि हर स्थिति में अर्थ ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसने हमारा बहुत ज्यादा नुकसान किया। और इसीलिए अगर तुम देखोगे तो हम तो ये कहते हैं कि अपने यहाँ तो प्रकृति की पूजा की जाती थी, और मैं तो मानती हूँ कि हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, उन्होंने हमें बताया कि बिल्ली मौसी होती है,
गाय माता होती है, एक रोटी तुम जो है गाय के लिए निकालो, एक कुत्ते के लिए निकालो, एक कौवे के लिए निकालो, आटा चींटी को डालो, उन्होंने एनवायरमेंट की एक एक चीज को हमसे जोड़ा और हमको एनवायरमेंट से जोड़ा। आज हमने क्या किया, अपनी चूंकि इन परंपराओं को छोड़ दिया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, आज हमने अपनी गंगा माता को मार दिया, हमने यमुना जी को मार दिया, जो नदियां हमारी लाइफलाइन थी हमने उनकी हत्या कर दी, हम उनके हत्यारे हैं, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे इस डेवलपमेंटल मॉडल को जाता है। ये नदियां हमारी लाइफलाइन है, अगर तुम नॉर्थ को देखो तो नॉर्थ में गंगा जीवन दायिनी मानी जाती है, लाइफलाइन है नॉर्थ इंडिया की। साउथ में 50 ऐसी नदियां हैं, क्या इन नदियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं था क्या? तो हमने ये जो डेवलपमेंटल मॉडल बनाया, इस डेवलपमेंटल मॉडल ने हमारा बहुत ज्यादा नुकसान किया है, और कोविड 19 ने हमें एक मौका दिया है, न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को, कि हम एक नए डेवलपमेंटल मॉडल के बारे में सोचें। क्योंकि अगर हमारे अंदर या किसी भी देश के अंदर ये बात है कि सिर्फ हम ही रहेंगे और बाकी लोगों को हम नहीं रहने देंगे, तो एक दिन सिर्फ मैं की इच्छा पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। और प्रकृति से अगर हम लेसन लें तो हमें ये मान करके चलना चाहिए कि सिर्फ लेने की जो टेंडेंसी होती है ये नेचर को नष्ट कर देती है। नेचर तभी चलती है जबकि हमारे अंदर देने की टेंडेंसी हो। तो चाहे हम नेचर में इंसान के अलावा तुम किसी को भी देख लो, सिर्फ देता है, पेड़ देता है, फल देता है, पौधे देते हैं, पशु पक्षी देते हैं, जीव जंतु देते हैं, नदियां देती हैं, लेकिन अगर सिर्फ कोई लेता है तो वो इंसान है। तो इंसान को भी अपनी लेने की लिमिटेशन को डिसाइड करना पड़ेगा, और उसको भी सोचना पड़ेगा कि हमारी भी ड्यूटी इस नेचर के लिए है। भगवान ने हमें बुद्धि का इस्तेमाल प्रकृति के शोषण के लिए नहीं दिया है, बल्कि इसलिए दिया है कि हम सबको साथ लेके चलें। तो सर्वे भवन्ति सुखिनः का जो बेसिक फिलॉसफी इस देश ने दी है, जब तक उसको पूरा विश्व नहीं अपनाएगा हम हमेशा परेशानी में रहेंगे। आज तुम खुद ये देखो कि अब बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग कह रहे हैं कि चोरियां बढ़ गई हैं, कल को बोलेंगे अपराध बढ़ जाएगा। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो तो परेशान है, जिसके पास पैसा भरा हुआ है वो इसलिए परेशान है कि घर में घर घुस के उसको कोई लूट न ले। अगर आप हर मिनट इस डर से जी रहे हो कि हमारे घर में घुस के कोई लूट ना ले, तो फिर क्या आप उस पैसे का उपयोग कर पा रहे हो क्या? लेकिन अगर यही पैसा उन लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता जो कि आज इनके पास खाने के लिए नहीं, तो शायद दोनों शांति से रह पाते। इसीलिए हमें इस बात की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा कि खुद के सुखी होने के लिए सबका सुखी होना जरूरी है। अगर सब खुश हैं तो आप सुखी हो, लेकिन सिर्फ आप ही सुखी हो अगर इस भाव से आप रहोगे तो आप नहीं चल सकते। यही बेसिक लाइफ का ज्यूरिसप्रूडेंस है, और मुझे लगता है कि कोविड 19 से पूरी धरती और पूरी दुनिया के लिए, हर इंसान के लिए लेसन भी यही है कि अब सबके बारे में सोचो, अपने बारे में तुमने बहुत सोच लिया, और इसीलिए अब नया डेवलपमेंटल मॉडल की जरूरत है। इंडिया में भी मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत चल रहा है। मैं तो बराबर बोल रही हूँ कि आत्मनिर्भर भारत में भी हमें आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा देनी होगी। क्या हमें उसी तरह वेस्ट के मॉडल को फॉलो करके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देना है क्या? मुझे लगता है हमें अपनी नीड्स को ध्यान में रखते हुए अपना डेवलपमेंटल मॉडल क्रिएट करना चाहिए, एक आइडियल मॉडल जिसमें प्रकृति के हर तत्व को एक रिस्पेक्ट दी गई हो, और एक ऐसा मॉडल जो इंक्लूसिव हो सबके लिए, जिसमें सब लोग रह सके, जिसमें फिर वो कांड ना हो जैसा कांड अभी हमने केरला में देखा कि उस हथिनी को खिला दिया गया और वो मर गई। उसके भी जीने का अधिकार है, अगर हम उसके जीवन के अधिकार को लेते हैं तो हम अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं, और अगर हम क्रॉस करते हैं तो हमें आज नहीं तो कल इन चीजों का भुगतान करना पड़ेगा। कभी भूकंप आएगा, कभी वायरस आएगा, कभी नदियों में प्रदूषण हो जाएगा, और कभी आप बिना ऑक्सीजन के आप ऐसे ही मास्क लगा करके इंसान मर जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को भी अपने कंसिडरेशन में ले, तभी हम जो एक अच्छी हेल्दी और पीसफुल लाइफ लीड कर सकते। मैम बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, और हम सभी के लिए एक लेसन भी है, और हमें इस सिचुएशन से सीखना भी चाहिए कि हाँ हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और जो हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं सोसाइटी में उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। और मैम जो भी आपने बात बताई, बहुत से जो लाइट के बारे में, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और जो मेडिटेशन, योगा, तो ये काफी एक दूसरे से चीजें रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी, साइंस, और मतलब हमें अभी भी इन चीजों के बारे में बहुत जानने की जरूरत है। तो मतलब हमारे जो दर्शक है वो काफी मतलब उत्साहित हैं, और काफी सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस चीज को हम कंटिन्यू करके मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे, क्योंकि हमें भी बहुत जानने की इच्छा है कि हम इसको नेक्स्ट लेवल, इसका नेक्स्ट डिस्कशन का पार्ट क्या होगा। तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ हम आगे भी हमें आप इन सब बातों के बारे में बताएं, और इन सब चीजों के बारे में बताएं। मैं आपको बिल्कुल अभिनव, मुझे भी
मुझे भी लगता है कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए और आगे जब भी तुम बुलाओगे मैं डेफिनेटली आऊंगी और हम लोग इस पर आगे डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोग भी सोसाइटी में कुछ अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। मैम बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। थैंक यू अभिनव। थैंक यू।